हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मामाज रेसिपीज। और आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर मटर मलाई। एक रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी आज हम बनाएंगे। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, बेसिक इंग्रेडिएंट्स है पनीर मटर और मलाई, मतलब फ्रेश क्रीम लिया हुआ है मैंने। पनीर 200 ग्राम्स है, 100 ग्राम्स मैंने मटर लिया है। ये फ्रोजन या फ्रेश आप जैसे चाहिए आप ले सकते हो, जैसे अवेलेबल होगा। फ्रेश क्रीम लिया है, बटर लिया है, थोड़े से काजू लिए, ये पेस्ट के लिए लगने वाले हैं। गार्लिक के 5 से 6 क्लोव्स है, डाइस किया हुआ प्याज है, डाइस किया हुआ टमाटर है, एक एक लिया है मैंने, एक प्याज और एक टमाटर। थोड़ा तेल लगेगा, स्वादानुसार नमक है। इलायची हमने सिर्फ 2 ही इलायची लेनी है, 2 मैंने ग्रीन चिली लिए हुए हैं काट के। उसके बाद हल्दी 1 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच और गरम मसाला 1 चम्मच। इसमें एक एडिशनल आप धनिया जीरा पाउडर भी ले सकते हो टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करने रखते हैं ऑयल, और हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो जैसे कि अभी तेल गरम हो चुका है, हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। ये ग्रेवी इसका मेन बेस है। मैंने लहसुन डाला है और ये ऑनियन डाल रहा हूँ। ये ग्रेवी बस आपको बराबर से समझ लेना है, क्योंकि ये ग्रेवी ये रेसिपी का मेन बेस है। इसे अच्छे से स्टर कर लेना है, और ये प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें डालेंगे ये इलायची के 2 दाने। इसे ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये जब ग्रेवी आप मिक्सर में पीसते हो तो वो बराबर से पीसना चाहिए, इसके लिए इलायची हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे ग्रीन चिली, इसे थोड़ा स्टर कर लेंगे। और ये इलायची कम डालने का एक और भी पर्पज है कि ये इलायची को एकदम स्ट्रांग फ्लेवर उसका एक होता है। तो अगर आप ज्यादा डालते हो तो पूरे ग्रेवी में सिर्फ इलायची इलायची का फ्लेवर रहेगा और आपकी ग्रेवी इफेक्ट होगी उससे, इसलिए इलायची का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। अभी टमाटर को हमें थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है, फिर ऊपर से हम डालेंगे काजू। काजू डालने से आपकी पेस्ट में बहुत रिचनेस आएगा और आपकी पेस्ट थोड़ी थिक भी होगी, क्योंकि हम ये रेस्टोरेंट स्टाइल डिश बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको रिचनेस तो चाहिए ग्रेवी में। ऊपर से मसाले डालते हैं, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर। सब मसाले हम अभी ग्रेवी में ही यूज करेंगे, बाद में बनाते वक्त हम सिर्फ नमक यूज करने वाले हैं। अब थोड़ा गरम मसाला, एक चम्मच नमक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो टमाटो सॉफ्ट हुआ है, इसमें सबसे आखिर में हम डालेंगे ये धनिया जीरा का पाउडर। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए। थोड़ा सा मैंने लिया है 1 चम्मच, और ये हमारा ग्रेवी का बेस अभी रेडी है। इसे आप चाहिए तो 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के स्टीम कर लीजिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो अभी हम ये ढक्कन निकाल के देखते हैं, तो टोमेटो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, तो ये हमारा ग्रेवी का बेस रेडी है। अभी हम इसे ठंडा करेंगे गैस बंद करके एक 10 मिनट के लिए, और फिर इसे मिक्सर में पीस लेंगे। तो ये ग्रेवी का बेस हमारा रेडी है, मिक्सर में डाल के मैं पीस के ले रहा हूँ। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग आधा या 1 कप, और इसे मैं मिक्सर में एकदम फाइन पीस के ले लूंगा। तो ये हमारी ग्रेवी रेडी है। अभी हम क्या करेंगे, एक पैन में थोड़ा सा तेल रखेंगे हीट करने, और उसके ऊपर मैं थोड़ा बटर लेता हूँ।
तेल मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप डायरेक्टली बटर अगर लोगे तो बटर जल जाएगा, उसका जलने का स्मेल आएगा। बटर गरम हुआ है, अभी उसमें हम ग्रेवी ले लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा स्टर कर लेंगे ग्रेवी मिक्स करके। आपको थोड़ा और रेड कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा और ग्रीन चिली, ये रेड चिली पाउडर डाल सकते हो। थोड़ा रेड चिली पाउडर डालेंगे तो अच्छा कलर आएगा। सिर्फ रेड चिली पाउडर है तो इससे स्पाइसी नहीं होगा, सिर्फ कलर ही आएगा। अब इसमें ये मटर ऐड करेंगे और सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि मैंने फ्रोजन मटर लिए, ये ऑलरेडी हाफ बॉइल्ड रहते हैं तो इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी हम इसमें ये पनीर ऐड करेंगे। ये पनीर भी मैंने फ्रोजन पनीर लिया है, लेकिन अगर आपको अगर फ्रेश पनीर इजीली अवेलेबल है तो आप मलाई पनीर यूज कर सकते हो, उससे और थोड़ा अच्छा मजा आएगा डिश में, क्योंकि वो मलाई पनीर आप लेंगे तो काफी सॉफ्ट होता है, तो आप मलाई पनीर ज्यादा प्रिफर करिए। अभी हम इसे थोड़ा सा मेकअप करेंगे धनिया डाल के। ऊपर से आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हो पाउडर। मुझे पर्सनली कसूरी मेथी का स्वाद पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, बट उससे भी काफी रिचनेस आता है, काफी अच्छा टेस्ट आता है आपके डिश को, तो आप कसूरी मेथी भी यूज कर सकते हो ऊपर से। अभी मैं इसे 1-2 या 3 मिनट के लिए पका के फिर बंद कर दूंगा। तो ये हमारा मटर पनीर रेडी है। अभी इसमें सबसे आखिर में जाएगा फ्रेश क्रीम। इसे थोड़ा सा मिक्स चाहिए तो आप कर ले या फिर ऐसे ही सर्व करें। तो ये हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मटर मलाई रेडी है। इसे मैंने जीरा राइस और रोटी के साथ सर्व किया है। आप इसे चाहिए तो बटर नान, कुलचा या बटर रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू। Yummy, Bonnie, this is my